दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये रेड कलर का आइकन सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आएगी उसको प्रेस करें। जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गुरु। आज मैं अजय आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के टाइम में जो वीडियो का फॉर्मेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस का बनता है, तो हम उसको हम वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं जिस करके हमारा कोई डाटा भी लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को कंप्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे हैंड ब्रेक। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क चाहिए, जो कि 4.6 ऑफलाइन इंस्टॉलर है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आपके सिस्टम में 4.6 फ्रेमवर्क .NET का इंस्टॉल हुआ तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जब अदरवाइज इसने इंस्टॉल किया तो आपको मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रहा हैंड ब्रेक का सॉफ्टवेयर, इसको मैंने ओपन किया। तो दोस्तों, इसके अंदर हमको ऑप्शन मिलेगी स्टार्टिंग में कि हमने एक पूरी फाइल करनी है, फोल्डर मतलब पूरी वीडियोस का फोल्डर सिलेक्ट करना है कि हमने इसमें फाइल सिलेक्ट करनी है। तो हम इसमें सिंगल फाइल सिलेक्ट करूँगा। इसके अंदर मैंने डेस्कटॉप पे मूवी है, ये देखिए, इसको मैंने ओपन किया, अभी ओपन हो रही है। तो दोस्तों, आपको मैं इसका एक्चुअल साइज दिखा देता हूँ, 682 MB है। तो आप देख सकते हैं 682 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्राउज करके डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव करना है। किसके नाम से? वीडियो के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैंने इसको पास दे दिया कि यहाँ पे हमने सेव करना है। अब हमने इसके अंदर, ये इसके अंदर पिक्सल आपने बिल्कुल नहीं करने, जो आपने करने में तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं इसके अंदर नॉर्मल करूँगा। नॉर्मल में करने के बाद आपने देखना कि ये जो चीज़ है ये हमारी 0-0 हो, जिस करके हमारी वीडियो क्रॉप ना हो। जब ये 0 नहीं है तो आप इसको 0 कर सकते हैं। कस्टम में आके आप इसको यहाँ जैसे आपका सपोज करिए 20 है तो आपकी वीडियो क्रॉप हो जाएगी। तो हमने इसको ना करने के लिए 0 करके सेट कर देना है। तो दोस्तों, फिर इसके बाद हमने इसमें वीडियो में आना है। वीडियो में देखना है जो सा RF है, RF का मतलब क्लैरिटी कितनी रहेगी, क्वालिटी। यहाँ पे देखिए, हमने जो सा इसका नॉर्मल RF है ये 20 होता है, इसको हमने 20 सेट कर देते हैं। 20 सेट करके फिर इसके बाद हमने ऑडियो वैसे नॉर्मली इसकी जो होती है 128 होती है, तो हम 128 कर देते हैं। मैक्सिमम जितनी मर्जी लेके जा सकते हैं, वैसे नॉर्मल 120 होती है। ये ऑडिबल होती है, इसमें क्लैरिटी होती है। इसमें हम ये रीड भी कर सकते हैं, ऑडियो देख सकते हैं। गलती हमने हिंदी रख दी है। हिंदी रखने के बाद अब हमने इसको चेक करना है। अब हमने इसको स्टार्ट करने से पहले अब हम इसका एक बारी लेके देखेंगे प्रीव्यू, जिस करके हमें पता लगेगा कैसी क्लैरिटी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितने मिनट का रखना है ड्यूरेशन, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड। मैं आपको 45 सेकेंड दिखाता हूँ लाइव प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू जनरेट हो रहा है।
तो ये प्रीव्यू हमने देख लिया है, अब आपको ठीक लगा तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम स्टार्ट इनकोड कर रहे हैं। ब्राइटनेस में कम कर देता हूँ। हमने स्टार्ट इनकोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनकोडिंग प्रोसेस पास आ गया है। ये भी इतना टाइम लेगा, 36 मिनट्स लेगा, जिसमें से हमारे अभी 20 सेकंड्स हो चुके हैं और ये कितने परसेंट बन चुकी है अब तक वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जब कंप्लीट होती है मैं आपको बताता हूँ। इसको आप कुछ मत कहिए जब तक ये कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों देखते रहें, दोस्तों अब देख सकते हैं इनकोडिंग पास कंप्लीट होने वाला है, 92% हो चुका है और टाइम बस 1 मिनट का है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ दोबारा प्रीव्यू, इसमें मैं अब आपको कम ही कर देता हूँ, लाइव प्रीव्यू करके हम आप देख सकते हैं ऑडियो और पिक्चर क्वालिटी सेम की सेम रहेगी। दोस्तों आपने देखा प्रीव्यू में ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अब ये भी कंप्लीट होने वाली है, 95% हो गई है और 1 मिनट रह गया। अब दोस्तों होगी बस 99%, 1% रह गया और 10 सेकेंड रिमेनिंग। तो दोस्तों फिनिश हो गया है, बस आप ये देख सकते हैं ये वीडियो पे भी हमने इसको दिखाई है अभी, और ये वीडियो जो हमने अभी करी है इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। बस आप देख सकते हैं क्लैरिटी की जो हमने अभी कंप्रेस करी है 24 मिनट 2 सेकंड की है। उसके बाद जो उनकी ओरिजिनल लाइव डाटा में जो कंप्रेस नहीं करी है अभी उसको हम प्ले कर सकते हैं। इसको भी मैं 24 से लेकर जाता हूँ।
करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।